टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्डनरी बल्ब इज अराउंड 3000 केल्विन. तो एक बल्ब का टेम्परेचर 3000 केल्विन है. एट वॉट वेवलेंथ विल इट रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी. तो आपको क्या बताना है, वेवलेंथ जब लैम्डा एम निकालना है. तो ये तो आसान क्वेश्चन है, लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट. तो आपको लैम्डा एम निकालना है, टी पता है, एक आंसर आ गया. अब वो क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि क्या ये विजिबल रीजन में लाई करेगी वेवलेंथ. और विजिबल रीजन कौन सा रीजन है जब आपकी वेवलेंथ 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है. जो आपका आंसर आया वो 9600 एंगस्ट्रॉम आया, जो कि इस रेंज में लाई नहीं करता. तो ये विजिबल रीजन में लाई नहीं करेगी. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन हैज मैक्सिमम एट, तो लैम्डा एम गिवन है सन का, टेम्परेचर ऑफ सन भी गिवन है. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टार जब स्टार का लैम्डा एम गिवन है. अभी किया हमने सन और स्टार, तो सेम यही क्वेश्चन था, एक बार सन के लिए एक बार स्टार के लिए. लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट, से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, सेम रिपीट क्वेश्चन है. टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ ब्लैक बॉडी बी रेज्ड, टेम्परेचर निकालना है, इन ऑर्डर टू डबल टोटल रेडिएशन. तो टोटल रेडिएशन डबल चाहता है वो, ई एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया डबल चाहता है. रेडिएशन का मतलब, रेडिएशन डबल होने का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया डबल हो जाए. और टेम्परेचर 727 है, तो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लिया. अब जो एनर्जी रेडिएटेड होती है किसी भी बॉडी की, वो टेम्परेचर रेज टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल है. तो जब एनर्जी ई है, टेम्परेचर टी है, ई डैश है, तो टी डैश है. तो यहाँ पे ये जो रेशियो है वो कितनी चाहिए उसको डबल, क्योंकि एनर्जी रेडिएटेड उसको डबल चाहिए पहले से. तो 2, और आपको टी पता है 1000, यहां से सॉल्व करके टी डैश कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक. एट वॉट टेम्परेचर विल द फिलामेंट ऑफ 100 वॉट लैम्प, पावर गिवन है किसी भी लैम्प की और टेम्परेचर निकालना है, ऑपरेट इफ इट इज सपोज टू बी अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया गिवन. तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में पावर गिवन है और एरिया गिवन है. अब आपको ये चीज पता है कि टोटल एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पावर बाय एरिया. क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. पावर गिवन है, एरिया गिवन है, तो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया आ गई. और एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया होती क्या है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4. यहां से सॉल्व करके टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. तो मतलब आपको पावर पता है, एरिया पता है, तो आप ई तो निकाल ही लेंगे. पावर का मतलब खुद ही एनर्जी पर सेकेंड होता है, उसको एरिया से डिवाइड करके एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कैन बी कैलकुलेटेड. अ बॉडी विच हैज सरफेस एरिया 5 एंड टेम्परेचर गिवन रेडिएट 300 जूल ऑफ एनर्जी ईच मिनट, फाइंड एमिसिविटी. अब इस बार आपको क्या कह रहे हैं, 300 जूल की एनर्जी है, एरिया गिवन है और टाइम भी गिवन है 1 मिनट. तो एक काम करो, पहले आप ई निकाल लो, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया निकाल लिया, और जो कि क्या होता है, और टेम्परेचर आपको गिवन है. तो क्योंकि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं, तभी एमिसिविटी पूछ रहे हैं. तो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती, तो उसकी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को क्या करना होता है, एमिसिविटी से मल्टीप्लाई. तो इस क्वेश्चन में ई पता है, सिग्मा पता है, टेम्परेचर पता है, एमिसिविटी कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक. तो ये स्टीफन लॉ के क्वेश्चन हैं. एक क्वेश्चन और, जो अभी मैंने कहा कि मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके अंदर नीट में नहीं आएगा, सीबीएसई में भी नहीं आएगा, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है. पीस ऑफ मेटल इज हीटेड अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर बाय इलेक्ट्रिक करंट सो दैट इट रिसीव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ कांस्टेंट पावर. तो बॉडी की पावर कांस्टेंट है. दिस इंक्रीज इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मेटल. तो ये जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऐसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, गिवन है. क्या निकालना है, हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल निकालनी है. याद रखना, जो हीट कैपेसिटी होती है वो होती है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज डी क्यू बाई डी टी. तो ये आपको निकालनी है डी क्यू बाई डी टी. अब हीट क्या होती है, पावर इनटू टाइम. पावर क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन है, बाहर आ गया, तो क्या बचा, टाइम की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मैथ्स का रोल है, यहाँ तक फिजिक्स है. ये प्लस टू मैथ्स में आप कैलकुलस करेंगे. टेम्परेचर गिवन है, आप टेम्परेचर को लिखें, इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दें, तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. पर आपको इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा करके यहां पुट करके आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर. पर आपको क्या आना चाहिए इसके बाद, कैलकुलस. तो प्लस टू में आप कुछ नहीं करेंगे, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे. हमने भी किया हुआ है फिजिक्स में, बट प्लस टू के बाद आपका हाथ थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा.
तो इसको कैलकुलस यूज करके डी कैपिटल टी बाई स्मॉल टी निकाल के इसका रेसिप्रोकल लेके आंसर आ जाएगा। जस्ट मेथड बता रहा हूं कि इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा।